16 साल के लिए बन गई है 2037 तक। सोचो कि 25 से 37 का बीच का जो साल है, पिछले 7-12 साल, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप रजिस्टर आ जाओ तो आप बेनिफिट 37 तक ले सकते हो। हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही है, नहीं 6 वो हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसके लिए भी है हमारे पास, होटल्स के लिए है, टूरिज्म पार्क के लिए है, टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हमारे जैसे ट्रैवल एजेंसीज थी, अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी या किसी टूरिज्म के रिलेटेड किसी आप अवेल करते हैं तो आपको उसमें हम सीधे सीधा बेनिफिट दे देंगे। नहीं यहाँ तो मैं रजिस्टर्ड हूँ। हाँ आप टूरिज्म पे, अब हमारी जो सर्विस सेक्टर में मैं बताना भूल गया, सर्विस सेक्टर में हमारे पास 2-3 और स्कीम्स आई हैं टूरिज्म को, आईटी पार्क्स, टूरिज्म पार्क्स के लिए होटल स्कीम में पूरी करवा दी। और हमने जैसे आपके बात की जो स्टोन क्रशर की बात करें तो वो भी पॉलिसी लोगों के पास अवेयरनेस है कि मैम चलो एक अलग चीज़ होगी। हाँ मेन चीज़ है जो हमारी नई पॉलिसी आई है ना, ये बड़ी हम पॉलिसी का करेंट 25 तक आप रजिस्टर्ड हो जाओ सारे, क्या होगा कि कम से कम फिर हम आपको इजाज़त दे देंगे। ठीक है बाकी सर अभी ओपन मार्केट है, अब डार्विन वाली थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओपन मार्केट डिपार्टमेंट के लिए नहीं, बिजनेस का है कि ओपन बिजनेस का मोनोपोली तो अब रही नहीं, पर तो सेफ था आर्टिकल की वजह से सेफ थी। स्कीमें जो है यूटी के लिए अब स्पेशल आई हुई है, आप सबको यहाँ बुलाने का एक्चुअली मकसद ये था कि 3-4 जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं और देखा है मैं सबसे बड़ा जो हमारे और आपके बीच में या आपको फ़ायदा उठाने के बीच में गैप है वो है अवेयरनेस। आप प्रॉपरली अवेयर नहीं हो तो ये एक हमारे बड़ा एक इशू है। तो हमने यही चाहा कि हम आप हर हफ्ते तकरीबन यहाँ पर इंट्रैक्शन करेंगे, हम ब्लॉक्स लेवल पर जाके इंट्रैक्शन करेंगे। तो जिस तरह हमारे वो पब्लिक दरबार हैं हर वेडनेसडे को, हम वहाँ जाके कल मंडी है, कल हम मंडी जा रहे हैं, तो ताकि आप जो है हमारे मैक्सिमम आप हमारे इसका हमारे जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सको। तो इसके लिए यही है जो इन्होंने आप हमारे ऑफिसर्स ने आपको डिटेल में बता दिया क्या क्या है इसमें। जो नई खासकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है हमारे बड़े इन्वेस्टर जो हैं, जिसमें 1 करोड़ तक सर्विस सेक्टर है, मिनिमम 1 करोड़ सर्विस सेक्टर और कैप जो है, और 5 करोड़ जो है मैन्युफैक्चरिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग का अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप हमारे स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं। स्कीम्स के बारे में डिटेल इन्होंने बता दिया है। ये 1 अप्रैल से उद्यम और जैम ये 2 पोर्टल जो है, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है आप सबके लिए मैंडेटरी है, आप सब करवा लें, आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि आप जितने भी यूनिट होल्डर हैं, कोई भी अगर बेनिफिट आपने अवेल करना है उसके लिए आपको ये दोनों जो हैं रजिस्ट्रेशन जो हैं मैंडेटरी हो जाएंगी। ठीक है आप जल्दी से जल्दी करा लो, क्योंकि इसमें क्या है कि जितनी जल्दी आप करा पाओ उतनी जल्दी आप बेनिफिट अवेल कर पाओगे। ठीक है इसमें क्या है कि अभी हमारा जो नया इंडस्ट्रियल पैकेज आया है वही ओवरऑल दिया उन्होंने, ये 2037 तक का, अगले 16 साल, अब 2025 तक हम इसको रजिस्टर करेंगे, 25 के बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद करेंगे, 25 से 37 तक ये हम इनको बेनिफिट देंगे। ठीक है अलग अलग अभी जो ऑलरेडी जो सर ने पहले बताया, जो मेरे साथी ने बताया कि ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है इस पर वो अपनी एक्सपेंशन शो करेंगे, जो ऑलरेडी यूनिट बनी है उस पर नहीं हम देंगे। लेकिन उसको अगर वो एक्सपेंड करते हैं, जैसे अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है उस पर आप 25% और इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके आप एलिजिबल होंगे। ठीक है अगर 10 लाख की मशीनरी या 2.5 लाख की आपने उसमें और मशीनरी ऐड करेंगे फिर जाके आप इस स्कीम को अवेल कर पाएंगे। ठीक है इसके अलावा और जो छोटी जो परेशानियाँ आपको आएंगी उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऑफिस का हेल्प डेस्क है, आप कभी भी आ सकते हैं, हम आपकी कोई भी परेशानी हम बैठ के यहाँ पे आपको बताएंगे उसके बारे में और आपका उसका हल निकालेंगे। ठीक है और कुछ किसी को कोई और थैंक यू स्क्रीनिंग होती है वो देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो वहाँ क्लियर होगी। अगर क्या आज आपने एक अवेयरनेस कैंप किया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में, इसके हवाले से बताएंगे? हम आज हमने जो गवर्नमेंट की नई स्कीम्स हमारी लॉन्च हुई हैं यूटी बनने के बाद या जो हमारी पहली फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं आज उसी के बारे में हमने जो है हमारे बडिंग एंटरप्रेनर्स और दूसरे जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं हमारे बिजनेस में सर्विसेज में उनको हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में से इन लोगों को बुलाया हुआ था। इसमें मेन हमने जिस तरह जेम पोर्टल पर लोगों को रजिस्टर करना है वो कैसे है, उनको ये जो फेयर प्लेटफॉर्म ताकि मिलेगा सेलर्स और बायर्स को, उसके अलावा हमारी उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में इनको बताया है, उसके अलावा हमारा जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है या हमारी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुई है तो उसके बारे में हमने इनको डिटेल जो है बताया है। उसके बाद हमारा इंटरेक्टिव सेशन हुआ है और हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि आइंदा तकरीबन हफ्ते में 1 बार जो है हम प्रोग्राम इस तरह के हम करते रहेंगे डिफरेंट लोकेशन में। सर आपकी कोशिश रहती है मुफ्त जगह पर आप जाते हैं लोगों को अवेयर भी करते हैं कि भाई ये, तो आज आपने ये कैंप लगाया, आगे किस तरह का लोगों जो गाँव में लोग रहते हैं या और किसी जगह रहते हैं
उनको। हमने जो है फिलहाल ये प्रोग्राम बनाया है कि जिस तरह हमारा जो हर वेडनेसडे को जो हमारे पब्लिक दरबार लगते हैं जो हमारे एल जी साहब की डायरेक्शन है उस पर, अब कल हम मंडी अवेयरनेस कर रहे हैं, हम तहसील लेवल पर जाएंगे, फिर हम जो है वो विलेज लेवल पर भी जाके लोगों को हमारी स्कीम्स के बारे में अवेयर करेंगे। थैंक यू।